हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइबरसेक लाइव। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम फ्रॉड्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों में, आप कह सकते हैं कुछ महीनों में, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जो स्पूफ पेटीएम है उस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। सेम इंटरफेस, जो पेमेंट करने के बाद जो इंटरफेस शो होता है, सेम इंटरफेस शो होता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो उस वीडियो में आप देखेंगे कैसे उस बंदे ने पूरा पेटीएम को का फ्रॉड किया। उसने 390 रुपया, 300 या 410 रुपये जो भी पेमेंट था उसने कैसे किया, और उसे रंगे हाथ उसे कैसे पकड़ा गया, ये भी उस वीडियो में है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। हम जोड़ कैसे बोले? जोड़ कैसे बोले? अरे मैडम, हो गया मैडम 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 हो गया। मैंने जोड़ नहीं बोले। करके जाओ ये। अरे फोन ले क्यों तू यार? फोन दीजिए। फोन नहीं, पुलिस को बुलाए। बताए पुलिस को बुलाए। अरे वीडियो बंद कर दिया। अरे सुनिए, वीडियो कैसे बंद कर दें? आप ऐसे उल्लू बनाते फिरते। हेलो दोस्तों, ये लड़का है, आपको जरूरी सूचना बताना चाहता हूँ। ये लड़का है, 2-3 दुकानों में पेटीएम फ्रॉड के जरिए फर्जी पेमेंट करके लोगों को उल्लू बनाता है। तो मैंने इसका भी पीछा किया और इसके पीछे पीछे इस दुकान पे आया हूँ। तो आइए, आज लाइव कैमरे के सामने आप सबके बीच में मैं इसका भंडाफोड़ करता हूँ। एक मिनट, 315 कर देना। देखिए मेरे में मैसेज अभी तक आया नहीं है। अरे मेरा पेमेंट कट गया, मैसेज आ जाएगा। अभी तो नहीं आया यार। अरे अब हाँ, ये देखिए ना, पर मैसेज तो नहीं दिखा रहा है। पेमेंट सारा आ जाएगा। हो गया, ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा कुछ टाइम। ठीक। हेलो भैया, एक्सक्यूज मी, रुकिए थोड़ा। आपने मैंने आपका पीछा किया, आप 2-3 दुकानों में पहले भी ऐसे पेटीएम फ्रॉड कर चुके हो, तो जरा पेमेंट दिखाइए। तो अरे मैं 315 रुपए किया हूँ, कहाँ फ्रॉड किया? मैडम कितना हुआ आपका ये बिल, जितना सामान दिया आपने? 315 रुपए, लेकिन अभी तक फोन में मैसेज। अरे मैंने कर दिया, ये देखिए मेरा पेमेंट भी कट गया है मैम। सर ये देखिए, क्या दिक्कत है? मतलब अभी पेमेंट नहीं आया भाई, क्या मतलब? अरे मैंने तो पेमेंट, मैंने मैं बताता हूँ, मैंने इनका पीछा किया। वीडियो बंद कर दिया। अरे सुनिए, वीडियो कैसे बंद कर दें? आप ऐसे उल्लू बनाते फिरते हो। रुक रुक जाइए, पहले आप शांत रहिए। आप पेमेंट का हमें देखिए, मैंने पेमेंट, हमें हिस्ट्री पूरी दिखाइए। मैं लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबसे पहले दिखाइए, आप अपना फोन दिखाइए। देखिए ना, फिर हमें मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? मैसेज आ जाएगा मेरे। मैं देखिए, तो अपना फोन मुझे दीजिए। अरे फोन में क्यों यार? फोन दीजिए। फोन नहीं दूंगा, आप देख लीजिए, मैं 315 तो आपका नंबर भी आ रहा है, आपका नाम भी आ रहा है। अरे तो वो चेक करना चाह रहा है, तो वीडियो बंद करिए। अरे वीडियो नहीं बंद होगा, मैं आप पहले फोन दिखाइए और पूरा पेमेंट का वो हिस्ट्री दिखाइए मेरे को। आपने हिस्ट्री तो दिखा रहा है दोस्तों, ये देखिए पेटीएम के थ्रू इन्होंने किया है, लेकिन मैं इनकी सच्चाई जानता हूँ, तो आज मैं आपको इनका वो बताऊंगा। एक सेकंड, पहले रुकिए, मैं फोन दे रहा हूँ आपको। ये पेमेंट है पेटीएम में, 315 रुपए सक्सेस बता रहा है। और जैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे ये आप फर्जी देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर। आप एक सेकंड। अरे मैं कर दिया, तो ये देखिए 315 बता रहा है मैम। ये तो किस तरीके से होता है भैया, ये बताएंगे? ये ऐसा फ्रॉड है ऐप के जरिए, ये फर्जी ऐप बनाते हैं पेटीएम की जैसा ही, और उसमें से फर्जी ऐप से पेमेंट कर देते हैं। नहीं मैंने कर दिया भैया, आ जाएगा। मैं तो मैसेज क्यों नहीं आया? मैं बहुत दिन से इसको देख रहा था और आज मैंने इसका पीछा करके यहाँ तक आया हूँ। मैम एक बार आप इसको देखिए, झूठ बोल रहे हैं, आपको कभी नहीं देखा। झूठ नहीं बोल रहे हैं, बंद करिए पहले, वीडियो नहीं बंद होगी। आप हमें कैश पेमेंट करके जाओ, अपना पैसा अपने पास। नहीं हम कैश नहीं रखते अपने पास। तो फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट किया मैम, चला गया। आप देखिए अपना, नहीं आया भाई साहब, दिखाओ अपना फोन, दिखाओ आप मैसेज आए नहीं तो हम कहा दिखाए। मैसेज चेक कराओ इनको। इसमें देखिए, देखो भैया क्या प्रॉब्लम है, मैं आप बताओ और देखो इसमें। दोस्तों ये फर्जी ऐप है पेटीएम, और इसको जैसे ही बैक करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। पेटीएम में इस तरह का इंटरफेस कभी नहीं होता। यहाँ पे सेटिंग आपको दिख रही है, कोई एडवांस सेटिंग, ये एडवांस सेटिंग से यहाँ पे आप लोग सब मैनेज कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे इस स्क्रीन पे पेटीएम का नामो निशान नहीं है। आप सच सच बताइए, आपका वो खुल चुका है, कौन सा ऐप है जिसका आप यूज करते हैं? अरे मैंने पेमेंट कर दिया है मेरे कोई। आप सच सच बताइए, सब सच बताइए। दो हाथ देंगे तो अभी सब आ जाएगा, सब पूरा बताइए, पूरा बताइए। पुलिस को बुलाएंगे अभी के अभी। हाँ ये देखिए, ये ऐप है।
हाँ अब आ रही आपकी सच्चाई सामने, बोलते हो तुम झूठ कैसे बोले? अरे मैडम हो गया, मैडम 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 हो गया, मैंने कैश पेमेंट करके जाओ, ऐसे सामान लेते हो दुकान में? अरे मैं नहीं आते तो हमें तो फिर चले जाते धोखा देके। किसके दुकान में गए हो आज तक? कैमरे के सामने माफी मांगो और बोलो कि आज के बाद नहीं करोगे। इसीलिए मैं आज लाइव आया हूँ और मैंने आपको 2-3 दिन से नोटिस किया था और आज मैं आपका दिखाइए, आप फिर से दिखाइए, वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये एक फर्जी पेमेंट ऐप है, काम करता है ये, इसका नाम है पेटीएम स्पूफ। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये ऐप के जरिए ये लोग यहाँ से फर्जी पेमेंट नाम और लिख के यहाँ से, आप जैसे किए हैं एक बार फिर से करके दिखाइए, हमें करके दिखाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपने कैसे किया ये। अच्छा ये आपने लिखा नाम और यहाँ पे आपने लिखा नंबर, फोन नंबर किसी का भी डाल देते हैं। क्यों करते हो यार ऐसा? ये चला गया, ये देखिए दोस्तों इतना जल्दी तुरंत पेमेंट हो गया। पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, बताएं पुलिस को बुलाइए, पुलिस को गलती, अरे हो गया, पुलिस की, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा बात नहीं है ये, इस तरीके से आप दोबारा मत करना, या ध्यान रखना। अरे मेरा दोस्त बताया तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ पर सही ठीक से न जाओगे, मतलब वो नहीं आते तो हमें तो तुम बेवकूफ बना चुके थे। धन्यवाद भैया, ये तो हमारी गलती के मैं नहीं बोलने वाला, देखिए हमारा ये फर्ज था, लोगों को बताना जरूरी था कि ऐसे फ्रॉड से बचें, है ना, दिन पर दिन ऐसे फ्रॉड ज्यादा बढ़ रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, तो अब दोबारा आप ये यूज नहीं करोगे, है ना जी। और आप इनका पेमेंट कीजिए कैश में, मैं कैश नहीं रखूंगा, एटीएम होगा ना। चलिए दोस्तों ठीक है, सामान वापस रख दीजिए। तो यार दोस्तों पेटीएम फ्रॉड के जरिए बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है, इससे बचने का यही उपाय है कि आप अपने दुकान में और जहां भी प्रतिष्ठान में जहां भी आप पेमेंट लेते हो QR कोड से, तो वहां पर साउंड बॉक्स का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि जब भी पेमेंट होती है तो हो सकता है मैसेज आने में थोड़ा देरी होती है तो आपको असुविधा होती है, लेकिन जब साउंड बॉक्स रहता है तो उसमें पेमेंट की पुष्टि तुरंत हो जाती है। तो जो लोग ऐसा पेटीएम फ्रॉड कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा अगर आप करते हैं ऐप के जरिए, एक फर्जी ऐप है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, वो फर्जी ऐप है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं और दुकानदार भाई ने अगर शिकायत दर्ज कराई तो आप पर विभिन्न कानूनी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और आपको इसमें अच्छी खासी जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, रहें सावधान, रखें अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये पेटीएम फ्रॉड होते हैं, मेरे पास एक और वीडियो है बट अगर मैं उसे अभी इसमें अपलोड करूंगा तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये तरीके, जैसे अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो कुछ, अगर आप मान के चलिए फेक पेमेंट एक ऐप है उसके थ्रू आप कर सकते हो, स्पूफ पेटीएम है, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। इन केस अगर देखिए, अगर मिटिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो इसे कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि अपना हमेशा मैसेज चेक करिए कि आपके पास मैसेज आया है कि नहीं आया है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि बार बार आप कस्टमर का वो चेक करें। इवन हो सकता है कि आपके आपके सामने कोई बंदा हो, उसने आप पेमेंट कर रहा हो, आपको सिर्फ सिंपल सा दिखा दिया और आपने मान लिया कि मैसेज नहीं आया। ठीक है, अगर मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज डिले हो सकता है, ठीक है, आप पेटीएम का नोटिफिकेशन देख लीजिए, पेटीएम के नोटिफिकेशन में तो उसी ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पेटीएम का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप सबको साउंड बॉक्स रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साउंड बॉक्स आप रखेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके पेटीएम में पैसे आ गए हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पेटीएम जो बंदा है फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली में, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपको पता चलेगा उतना ही बेटर है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि कोई भी आपके साथ ये फ्रॉड कर सकता है।